अकेडमी, मैं आपके लिए पीडीएस का आंसर की लेके आया, मैथ्स की आंसर की। मैंने कई क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बट उसको काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा बिकॉज द साइज ऑफ द वीडियो बिकम्स टू कंपसम। सो आई जस्ट लाइक टू गिव यू द आंसर, एंड एट द सेम टाइम अगर आपको कहीं पे डाउट लगे किसी क्वेश्चन में कि ये हमारा आंसर ये नहीं है, आप हमसे वो लिंक्स पे पूछ सकते हैं। आई सॉल्व आप एवरी क्वेश्चन एंड एक बाई एक करके मैं आपको वो उसका आंसर बताऊंगा। बिफोर वेस्टिंग एनी मोर टाइम, आई लाइक टू स्टार्ट नाउ विद द आंसर की इटसेल्फ। पेपर इजी था, डिफिकल्ट नहीं था, आप इजीली 70 स्कोर कर सकते हैं, बट आपको ऑब्जेक्टिव ये रहना चाहिए नॉट टू सॉल्व एवरीथिंग। फर्स्ट का आंसर रहेगा आपका अल्फा, सेकेंड द स्पीड ऑफ कार्स अपने सेक्शंस में चेक कर सकते हैं कहाँ कहाँ पे है, ब्रावो। थर्ड इज अल्फा, ये सेट ए है। फोर्थ का रहेगा आपका इंटरेस्ट वाला था चार्ली। फिफ्थ का है डेल्टा, सिक्स का आपका है डेल्टा, सेवन्थ का आपका रहेगा चार्ली। लेट मी गिव यू टाइम, इफ टू इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका आंसर रहेगा ब्रावो। नाइन्थ का रहेगा डेल्टा, टेंथ का आंसर रहेगा ब्रावो। 11th क्वेश्चन था इक्वेशन वाला, एक्स कॉस एक्स थीटा, इसका आंसर रहेगा डेल्टा। 12th का आंसर रहेगा चार्ली, 13th का आंसर चार्ली, 14th का ब्रावो, 15th का आंसर रहेगा ब्रावो, 16th का है चार्ली, व्हाट इज द डिजिट एट द 100th प्लेस, 17th का आंसर आपका रहेगा, लेट मी जस्ट चेक इट, आपको तो मैंने सॉल्व किया हुआ है, 17th आंसर इज चार्ली, दिस इज द क्वेश्चन। 18th का आंसर इज चार्ली, 19th का आंसर इज ब्रावो, 20th का आंसर आपका रहेगा चार्ली। 21st पे आ जाते हैं, 21st पे रहेगा डेल्टा, 22nd पे रहेगा अल्फा, 23rd इज अल्फा, 24th इज चार्ली, ये जो एच सी एफ वाला क्वेश्चन है। 25th व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर एन, इसका आंसर रहेगा डेल्टा। 26th का आंसर रहेगा आपका डेल्टा, 27th का आंसर रहेगा चार्ली। अब हम बात करते हैं 28th सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स, इसका आंसर रहेगा चार्ली। 29th 50 men, इसका आंसर रहेगा अल्फा। 30th का आंसर रहेगा अल्फा। 31st अ बॉटल कंटेन्स रिटेनॉल, यहां से आई थिंक थोड़ी गलत जाएंगे आपके सच में, डेल्टा। 32nd का आंसर अल्फा, 33rd का आंसर रहेगा चार्ली, 34th का आंसर आपका रहेगा चार्ली, 35th का आंसर रहेगा अल्फा, 36th का आंसर रहेगा 720, इसमें 2, 3, 4, 5 आ रहा था, 37th का आंसर रहेगा चार्ली, 38th का आंसर आपका रहेगा ब्रावो, 39th का आंसर इज ब्रावो अगेन, 40th का आंसर आपका रहेगा अल्फा, 41st का आंसर रहेगा जहाँ पे आपका एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल ब्रावो, 42nd का आंसर रहेगा चार्ली, 43rd का आंसर रहेगा आपका ब्रावो, असम अमानी इन्वेस्टेड इसका आंसर रहेगा ब्रावो, 45th का आंसर रहेगा अल्फा, 46th का आंसर रहेगा चार्ली, 47th का आंसर रहेगा डेल्टा। क्वाड्रिलैटरल इसमें आंसर रहेगा ब्रावो, 49th का आंसर रहेगा अल्फा, 50th का आंसर आपका रहेगा चार्ली, 51st टैन 3A इसका आंसर रहेगा चार्ली, 52nd का आंसर रहेगा चार्ली साइन थीटा प्लस वो वाला, 53rd एंगल एलिवेशन वाले का आंसर रहेगा अल्फा, 54th का आंसर रहेगा चार्ली, 55th टू ग्रेन 3 एंड B इसका आंसर रहेगा डेल्टा। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड इंक्रीज बाय 10, 20, 50, इसका आंसर रहेगा आपका चार्ली। 9400 डिवाइडेड इसका आंसर रहेगा आपका अल्फा आंसर। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपका, पी स्क्वायर वेरीज एज आर एंड क्यू स्क्वायर वेरीज एज आर, इसका आंसर रहेगा अल्फा। पी मेन कैलकुलेशन वर्क, इसका आंसर रहेगा अल्फा। 60th का आंसर मिनिमम वैल्यू, इसका आंसर रहेगा 25। अब आ जाते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो आए थे। 61st जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर रहेगा चार्ली, दूसरे का आंसर रहेगा अल्फा, 63rd का आंसर रहेगा आपका डेल्टा, 64th का आंसर रहेगा आपका चार्ली, 65th का आंसर रहेगा आपका अल्फा है इसका आंसर, 66th का आंसर रहेगा आपका ब्रावो, 67th का आंसर रहेगा 68th का आंसर, अगर हम नेक्स्ट आ जाते हैं रोम्बस वाले पे, इसका आंसर रहेगा ब्रावो, 69th का आंसर रहेगा आपका ब्रावो, 70th का आंसर रहेगा आपका ब्रावो। अब वो आ जाते हैं इन पाई डायग्राम वाला क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल था, इसका आंसर रहेगा डेल्टा, 72 का रहेगा ब्रावो। अब ट्रेन के जो तीन क्वेश्चन थे उसका पहले का आंसर रहेगा चार्ली, टाइम दे मीट इज ब्रावो, 75th का आंसर रहेगा अल्फा, टाइम टेकन क्रॉस। जो ये फिगर्स वाला क्वेश्चन था इसमें आपका एरिया ऑफ स्क्वायर रहेगा अल्फा,
टैन अल्फा प्लस टैन बीटा ब्रावो हो जाएगा, और एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई रहेगा आपका चाबी। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आई टॉल्व इट अप अगर किसी को। अगर हम 79 की बात करें, इसका आंसर रहेगा डेल्टा, और 80 का आंसर रहेगा अल्फा। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, 81 वाला, इसका आंसर रहेगा पहले का डेल्टा, सेकेंड का आपका आंसर रहेगा चाबी। पाई डायग्राम वाला तो क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, कोई डिफिकल्ट नहीं था, ये तीन होने चाहिए थे। 83rd का रहेगा अल्फा, 84th इज चार्ली, और 85th रहेगा आपका ब्रावो। अगर हम बात करें 86 जो ये वाला था, इसका आंसर रहेगा ब्रावो, और रहेगा चार्ली, तो ये जनरल आंसर है। दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी सिंपल, ये पहला वाला भी आपको सिंपल होना चाहिए था, 10 बनता ही 6 और 8 से, तो इसका आंसर रहेगा डेल्टा, बाकी सब में तो चलो प्रूफ है। 89th डेल्टा, 95th इज ब्रावो। अगर हम बात करें इस वाले क्वेश्चन की, इसका 91st का आंसर रहेगा चार्ली, और 92 का रहेगा अल्फा, 93 का रहेगा ब्रावो। सर्कल्स की प्रॉपर्टी बननी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल और इसके इक्विलैटरल ट्रायंगल और सर्कल। अगर आप देखो, इसने बताया हुआ है आपको जो आपका रेडियस है, इसमें रेडियस बताया हुआ था, रेडियस आपका अगर ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा। ये सिंपल इस तरीके से आ जाएगा। ओके, 94th का आंसर है ब्रावो, 95th का आंसर है डेल्टा। ये जो सर्कल्स वाला है, इसका सबसे आ चुका है क्वेश्चन, जो 96 और 97 आई थिंक 2021 में आ चुका है। 96 का अल्फा, 97th इज डेल्टा, 98th इज डेल्टा, 99 और 100 सिंपल क्वेश्चन थे। 99 का रहेगा अल्फा और 100 का रहेगा डेल्टा। अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम हो, आप इनसे पूछ सकते हैं, हम आपको इसके रिलेटेड बता देंगे कंप्लीट। Is it clear? So this would be the thing. So that is all. And I hope आप सब अपना results mark करते हैं कि कितना score आ रहा है और कितना नहीं। हमने cutoffs भी ट्राई किया, you can see that. Wishing you all the best. This is Hartaj signing off.